नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वॉल्यूम 2 का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रेड हल्क का सामना ए बॉम्ब से हुआ था जिसमें ए बॉम्ब ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन तभी रेड हल्क को रोकने के लिए ग्रीन हल्क आ जाता है और तब दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें रेड हल्क ग्रीन हल्क पे भारी पड़ने लगा था, लेकिन तभी वहां रेड हल्क को रोकने के लिए थॉर आ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रेड हल्क को देखते हैं जो थॉर के सामने खड़ा था और तब वहाँ एक बड़ी सी लाइटनिंग आ जाती है। तभी रेड हल्क थॉर को देखता है और कहता है, थॉर मुझे लगा था तुम मर चुके हो। जिस पर थॉर रेड हल्क से कहता है, मुझे लगा था कि तुम हरे रंग के हो मॉन्स्टर, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह तक तुम सिर्फ इतिहास बनकर रह जाओगे। ये कहते थॉर रेड हल्क पे अपने हैमर से जोरदार हमला करता है, लेकिन उससे रेड हल्क को खरच तक आई नहीं थी। तभी रेड हल्क थॉर से कहता है, अच्छा वार था पर इससे मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई, पर ये लंबी रात है तो बहुत कुछ हो सकता है। ये देखकर थॉर रेड हल्क से कहता है, तुम किस तरह के जानवर हो जो म्योनिर के सामने भी मरे नहीं। जिस पर रेड हल्क कहता है, मैं उस तरह का जानवर हूँ जो थंडर के गॉड को खत्म करने की ताकत रखता हूँ। ये कहते हैं रेड हल्क थॉर को जोरदार पंच मारता है और फिर अपने दोनों हाथों से थॉर पर वार करता है और फिर थॉर को ऊपर आसमान में फेंक देता है और थॉर से कहता है, मैं गॉड्स पर विश्वास नहीं करता हूँ। या थॉर पास के एक बिल्डिंग पर आके गिरता है और तब रेड हल्क फिर से थॉर के पास आता है और कहता है, जितना लोग समझते हैं उससे कहीं अधिक आसान है गॉड को खत्म करना। लेकिन तभी थॉर उस मलबे से बाहर आता है और रेड हल्क से कहता है, मैं पहले भी हेलक के कब्जे में रह चुका हूँ और मैं उसका टच जानता हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हें ही सबक सिखाने को भेजा है। यह कहते हैं थॉर अपने हैमर के साथ फिर एक बार थॉर पे हमला करता है। तभी थॉर अपना हैमर घुमाता है और रेड हल्क पे जोरदार वार करता है और फिर अपना हैमर उठाकर रेड हल्क से कहता है, आज तुम्हारा आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये कहते थॉर अपने हैमर के साथ रेड हल्क पे जबरदस्त वार करता है, लेकिन रेड हल्क अपने एक ही हाथ से थॉर का हैमर पकड़कर थॉर से कहता है, अब मैं समझा तुम अब तक खेल से बाहर क्यों थे, तुमने यहाँ पर सिविल वॉर मिस की और तौर तुमने हल्क को पूरी दुनिया से लड़ते हुए मिस किया, लेकिन तुम जो ग्रेन वाले को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तो तुम्हारा जो भी तरीका है वो मुझ पर काम नहीं करेगा। यह कहते रेड हल्क थॉर के हैमर को पकड़ लेता है और थॉर को ऊपर आसमान मिल जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में स्टडी किया है थॉर, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बताने में कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल लेजेंडरी है, पर जैसे एटिला जेंगिस और ग्रीन हल्क की तरह हमेशा लड़ाई में कोई हारता ही है। तभी थॉर रेड हल्क से कहता है, तुम मेरा हैमर चला रहे हो। जिस पर रेड हल्क कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो थॉर, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी सतोड़े को उठा नहीं सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ कर ही इस हैमर के साथ छलांग लगाई, वो भी जीरो ग्रेविटी में। यह कहते हैं रेड हल्क थॉर को स्पेस पे ले जाता है और फिर ग्रेविटी ना होने के कारण रेड हल्क थॉर से उसका हैमर छीन लेता है और फिर थॉर को उसी हैमर से जोरदार मारता है, लेकिन तभी थॉर अपनी पावर का यूज करते हुए उस हैमर को रोकने लगता है। ये देखकर हल्क थॉर पे उसी के हैमर से बहुत सारे वार करता है जिसके कारण थॉर ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था, और तब रेड हल्क थॉर को उठाकर उसके पेट में अपना घुटना मार देता है और फिर थॉर को पकड़कर अपने साथ मुंह पर लाके पटक देता है और फिर थॉर के मुंह पर जोरदार लात मारता है और उसका हेलमेट दूर फेंक देता है और वहां से अर्थ पर चला जाता है। या थॉर ये देख रहा था और तब वो कहता है, तुमने मुझे यहाँ जीवित छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम पर मेरा कहर बरसने वाला है। या हम अर्थ पर मॉन्यूमेंट वैली देखते हैं जहाँ पर रेड हल्क आके गिर जाता है, या दूसरी तरफ हम बैक्स्टर बिल्डिंग देखते हैं जिसमें आयरन मैन आ गया था और वो वहाँ के फैंटास्टिक फोर से मिलता है। तभी आयरन मैन रीड रिचर्ड्स को वही रॉस और बैनर की फुटेज दिखाता है, तभी रीड उस फुटेज को देखने लगता है। तभी आयरन मैन रीड से पूछता है, ये क्या बोल रहे हैं, ये पता कर सकते हो। जिस पर रीड कहता है कि यहाँ की ऑडियो जानबूझ के कम की है। ये कहते रीड उन दोनों के बीच की वार्तालाप को थोड़ा बहुत ठीक कर देता है जिसमें आयरन मैन को बस थैंक यू सैमसन ये सुनाई देता है, लेकिन इससे पहले कि आगे कुछ और सुन सके पूरे बैक्स्टर बिल्डिंग की पावर ऑफ हो जाती है। ये देखकर रीड
स्टार्क से कहता है, तुम्हारे इस ट्रांसमिशन में ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस था जिसके कारण यहाँ की पावर ऑफ हो गई है, लेकिन तभी पावर फिर से आ जाती है। ये देख कर रीड कहता है, ये जिस किसी ने किया है वो सॉफ्टवेयर में बहुत होशियार है। लेकिन तभी आयरन मैन को मरिया हिल का कॉल आता है और वो आयरन मैन से कहती है कि कुछ देर पहले मॉन्यूमेंट वैली के पास कुछ आके गिरा है और ये गिरने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड हल्क है। ये सुनते ही आयरन मैन मरिया से कहता है, जल्दी मिलिट्री को तैयार करो। लेकिन तभी रीड आयरन मैन को रोकता है और कहता है, मेरे पास इससे अच्छा प्लान है, या हम हल्क को देखते हैं जो समुन्द्र में मलबे के नीचे फंसा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ एबॉम आ जाता है और हल्क को बाहर निकालता है। तभी बाहर निकलते ही हल्क गुस्से में आकर तुरंत उस ब्रिज पर चढ़ने लगता है। ये देखकर एबॉम भी हल्क के पीछे जाने लगा था। तभी देखकर हल्क एबॉम से पूछता है, ब्लू मैन मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर एबॉम कहता है, मैं ब्लू मैन नहीं बल्कि एबॉम हूँ और एबॉम हल्क का दोस्त है जो रेड हल्क को रोकने में मदद करेगा। यहाँ पर रेड हल्क के गिरने के कारण भूकंप आ रहे थे, जिस पर हल्क एबॉम से कहता है, तुम यही रुको और सिटी को बचाओ, हल्क उस रेड हल्क को देख लेगा। लेकिन तभी हल्क को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इसमें तुम्हें हमारी सहायता लगेगी हल्क। यह सुनते ही हल्क देखता है कि आवाज आयरन मैन की थी जो इस बार अपने साथ शी हल्क, द थिंग, एरिस, ह्यूमन टॉर्च और नेमर को लेकर आया था। एंड दैट्स इट, यह इशू यह कंटिन्यू होता है।